दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल यहां के एक गांव में 20 लाख की लागत से बनी 1 किलोमीटर लंबी सड़क के रातोंरात गायब होने का मामला सामने आया है। कुछ भी, ये क्या बात करते हैं यार। मामले को लेकर गांव वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस तरह की खबर सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई है। खबरों की माने तो पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है। उप सरपंच और ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी कि बारिश में उनका निकलना मुश्किल हो चुका है। वो जिस जगह की शिकायत कर रहे हैं वहाँ रात तक सड़क नजर आ रही थी, लेकिन सुबह तक गायब हो गई। अब फर्स्ट क्लास के बनी थी, लेकिन हमने रात में उठ के देखा तो एक भी मुरुम नहीं है। पता नहीं कौन चोरी करके ले गया। अबे साले, कोई सेंसर बात गांव की जनता हमें बताया कि यहाँ चलो देखते, पता नहीं कौन मुरुम ले गया। तब हम यहाँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी मझौली के पास जाने वाले हैं, DM साहब के पास जाने वाले हैं, अपनी समस्याओं को लेकर। कौन चोरी करके ले गया उसको हम जांच करवाएंगे। बोल रहे हैं राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो अभी यहाँ कब से रोड बनी थी? यहाँ पे देखा, सुबह देखा था? हाँ, सुबह नहीं बनी थी। चुप, बिल्कुल चुप। कल शाम को कल बनी थी, कल तक सुबह कोई चोरी करके ले गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मामला जिले के मंझोली जनपद क्षेत्र में मेंढरा ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है, जहां पर कागज में लाखों की लागत से सड़क बनाई गई, लेकिन बारिश ने सड़क की हकीकत बयां कर दी। सड़क के गड्ढों में बरसात का पानी भर गया है, जिसकी वजह से गांव वालों का निकलना मुश्किल हो चुका है। ग्राम पंचायत कर्मी कागज में 2017 में 10 लाख की लागत से कच्ची सड़क और इसके 6 महीने बाद ही 10 लाख की लागत से पक्की सड़क बनाने का काम कर चुके हैं। गांव के उप सरपंच की माने तो सड़क रात में अच्छी बनाई गई थी, लेकिन जब सुबह देखा तो सड़क वहां नहीं थी, सड़क चोरी हो गई थी। किसने चोरी की कुछ पता नहीं। तब मजाक कर बैठा है उनका, तब ये चल रहा है उनका। अब दोस्तों, ऐसा तो हमारे भारत देश में ही हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर एंड कमेंट्स भी, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपलोड करता रहता हूँ।